हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं गुड़हल के प्लांट पर जो मिलीबग का अटैक हो रहा है तो मैं उसी की बात करने वाली हूँ। तो ये देखिए किस तरह से मिलीबग अटैक हो रहा है गुड़हल के प्लांट पर। ये देखिए कितने, और जितनी भी कलियाँ आई है ना, ये देखिए ये दूसरी कली है, ये देखिए जितनी भी कली आई है सब में है मिलीबग, बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इसमें, और ये देखिए यहाँ पर भी है, मतलब जिस जिस कलिया में है ना वहीं वहीं पर मिलीबग का अटैक है। और साथ में ना चींटी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये देखिए, और कली तो बहुत ज़्यादा आ रही है इस पर, ये देखिए इस पर भी, और साथ में ना चींटी भी है। तो इससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे, तो आज मैं करने वाली हूँ पेस्टिसाइड इस पर। तो मैं होममेड पेस्टिसाइड करूँगी जो आसानी से हमारे घरों में मिल जाता है। ये देखिए, मतलब जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं ना, कली हैं, सब में हो गई हैं। और एक अगर हम इसे हटाएंगे नहीं तो ये धीरे धीरे जितने भी प्लांट हैं और जो भी हैं ये सब में हो जाएंगे। तो केमिकल नहीं करूँगी, केमिकल हाँ ये है कि असर जल्दी करता है, पर होममेड फर्टिलाइज़र जो आपके घर में है, अलेबल है, जो आपको बाहर जाके ख़रीदना ना पड़े, तो उसी से ही पेस्टिसाइड करूँगी। और ये देखिए, ये है मेरा मॉर्निंग ग्लोई जो मैंने सीड से लगाई है, और इसमें भी देखिए अटैक हो गया है, इसमें मिलीबग का अटैक है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें भी हो गया है, जबकि मॉर्निंग ग्लोई में शायद नहीं होते हैं। ये देखिए, और चींटी भी है साथ में, तो ये ज़्यादा ना बढ़े, तो इसी वजह से ये अभी हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं हटाएंगे तो ये जो प्लांट है अभी छोटे छोटे हैं, अभी इसकी ग्रोथ हो रही है, तो ये ख़राब हो जाएंगे। और ये देखिए, मतलब ऐसा कोई प्लांट नहीं, सब प्लांट में मिलीबग का अटैक है, किसी किसी में नहीं है। ये देखिए इसमें भी है, और ये अगर हम अभी भी छुटकारा इसे नहीं देंगे तो ये काफ़ी ज़रा सारे प्लांट और जो जितने भी आसपास प्लांट हैं उनमें भी हो जाएंगे। तो इसीलिए कौन सा पेस्टिसाइड मैं करूँगी, चलिए आपको ये देखें। ये आज मैं दो प्लांट खरीदी हूँ, एक है गुलाब का, ये कोई और कलर का गुलाब है, ये देसी नहीं है, ये हाइब्रिड गुलाब है। और इसमें कली तो बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा कली है। ये देखिए इसमें कली ना काफ़ी ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर भी है, इसमें इधर भी है। और दो प्लांट खरीद ली हूँ, एक अडेनियम, तो अडेनियम तो मैं फर्स्ट टाइम ली हूँ, अभी मेरे पास एक भी अडेनियम नहीं है, और ये मैं पहला अडेनियम, ये देसी अडेनियम है, हाइब्रिड नहीं है। और इसका फूल तो देखिए कली आई है, तो ये इसे लग रहा है पिंक कलर का है। तो ये दो प्लांट मैं आज ली हूँ। तो ये देखिए, ये है सोडा, ये है मीठा सोडा जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। सोडा है खाना बनाने या मैदे की कोई चीज़, जब छोला भटूरा या कुछ बनता है तो हम उसमें डालते हैं, तो ये सोडा है। तो आज मैं इसी से पेस्टिसाइड करूँगी, और ये होममेड है, सबके घरों में मिल भी जाता है, और ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो ये हमारे प्लांट को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। और अगर हम केमिकल करते हैं तो शायद हो सकता है ये नुकसान पहुंचा दे। तो ये देखिए, ये मैंने बॉटल भर ली है, इसमें 2 लीटर पानी है, देखिए इतना भरा हुआ है, और इसमें मैं 1 चम्मच डाल ली हूँ ये सोडा, 1 चम्मच ने आधा चम्मच डालूँगी, इतना डाल ली हूँ इतना। और ये जितने भी प्लांट पे हो जाएगा, तो सारे जितने भी मिलीबग वाले प्लांट हैं तो उस पर सब पे करूँगी। और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ, मिक्स करने के बाद जितने भी प्लांट हैं गुड़हल के हैं, मतलब जिसमें जिसमें चींटी है, मिलीबग है, उन सबको उस सब में सब मैं हटा दूँगी। और ये हमें एक बार कर, मतलब केमिकल तो है नहीं, ये केमिकल पेस्टिसाइड है, तो हम एक बार करेंगे तो उसका असर जल्दी हो जाता है और ज़्यादा टाइम तक होता है। पर ये होममेड केमिकल होममेड पेस्टिसाइड है, तो इसका असर थोड़ा लेट करेगा,
पर करेगा ज़रूर। और ये हमें लगभग एक दो दिन हम लोग लगातार अगर करते रहेंगे, और हम अगर लगातार करते रहेंगे, इसे मैं प्रेस कर लेती हूँ, ये देखिए अब मैं इसमें करती हूँ प्लांट में, और ये देखिए मैंने इन्हें सब मैं कर दी हूँ, बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ रहा है, सब गायब हो गए हैं। और आज कर दी हूँ, उसके बाद में फिर एक दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन और करूँगी। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारी एक भी कलिया ये ख़राब नहीं होगी और ना ही टूटेगी। और ये मिली बंगना इसी कली पर ही मतलब बैठती हैं आकर, तो ये कली धीरे 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 इसका जो प्रोटीन होता है वो ले लेती हैं और ये कली टूट के गिर जाती हैं। फिर हमारी कली बिल्कुल फ्लावरिंग में कन्वर्ट नहीं होती है और ये बेकार हो जाता है। तो इस तरह से मैं सारे प्लांट में कर लेती हूँ। और फिर आप बताना दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।